नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत शिष्यवृत्ति के अंतर्गत कक्षा पाँचवीं विषय गणित में शिष्यवृत्ति के अंतर्गत आने वाले सवाल देखिए, दिन दर्शिका या कैलेंडर से संबंधित सवाल किस तरह से आते हैं। तो इसमें पहला सवाल है दिनदर्शिका में, देखिए यदि 7 अप्रैल को गुरुवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इसमें उत्तर पर्याय दिया गया है बच्चों। पहला पर्याय है रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार और चौथा है गुरुवार। इन 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए, प्रश्न है यदि 7 अप्रैल को गुरुवार है तो 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो इसका हल देखिए, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। तो 7 अप्रैल माह में देखिए बच्चों कितने दिन हो गए। 7 अप्रैल दिया गया है तो अप्रैल माह के 23 दिन बच रहे हैं और अप्रैल के बाद मई आता है, मई के हो गए 31 दिन, मई के बाद जून हो गए, जून का महीना जो है ये भी 30 दिन का है और जून के बाद आ जा रहा है जुलाई, जुलाई का महीना ये 31 दिन का है, जुलाई के बाद आ रहा है अगस्त और अगस्त में देखिए 15 अगस्त पूछ रहा कि 15 अगस्त को कौन सा दिन है। तो 15 दिन ये ले लीजिए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये जितने दिन हो रहे हैं इन दिनों को हम जोड़ेंगे, अप्रैल के 23 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 15 दिन हो रहे हैं। इन दिनों को जोड़ने पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के 0 हो गया, हासिल 1 आ गया। देखिए 3 के 3, 3 दून 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौक 12 और 1 13, 130 दिन हो रहा है। कुल कितने दिन हो गए, 130 दिन हो रहा है बच्चों। अर्थात 7 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक के बीच के दिनों की संख्या 130 हो रही है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसकी जानकारी आपको है। तो अब करना क्या है आपको, ये 130 दिन में 7 से भाग दे देना है। अब 7 से भाग देने के लिए देखिए, ये शून्य बार भाग जाएगा पहले, या डायरेक्ट आप दे सकते हैं 7 0 0, 1 उतार लिए 3 हो गया, 7 1 7 हो गया। अब 13 में से 7 को घटाइए, 13 में से 7 को घटाने पे 6 बचता है और ये शून्य को उतार लिया हमें, इसके बाद 8 बार भाग जाएगा, 7 8 56 आएगा, घटा दे रहे हैं, 10 में से 6 को घटाएं 4, 5 में से 5 0, अर्थात यहाँ देखिए 4 दिन यहाँ बच जा रहा है, शेषफल 4 आ रहा है। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों के उत्तर को ज्ञात करने के लिए इस शेष 4 बचा रहता है, इसलिए 7 अप्रैल को बताए गए वार के बाद 4 वार और गिनेंगे। तो 7 अप्रैल को देखिए क्या है, 7 अप्रैल को बच्चों गुरुवार है, तो 7 अप्रैल से 4 दिन और आगे हमको बढ़ाना है। 7 अप्रैल को गुरुवार है, गुरुवार, तो 4 दिन और आगे बढ़ा दीजिए। अब 4 दिन आगे बढ़ाने पे देखिए गुरुवार के बाद क्या आएगा,
गुरुवार के बाद, शुक्रवार, उसके बाद दूसरा दिन शनिवार, और तीसरा दिन रविवार, और चौथा दिन देखिए सोमवार आ रहा है। अर्थात 15 अगस्त के दिन सोमवार का दिन होगा। तो 7 अप्रैल को गुरुवार है, तो 15 अगस्त को सोमवार होगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमें ज्ञात हो जाता है। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा बच्चों? 15 अगस्त को सोमवार होगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है।